रैली बगड़ा बगड़ा वगैरह बगड़ा, बगड़ा नहीं है अभी ठीक है मान लो चुनाव ने जो चुनाव आयोग ने जो बोला है हम उसको मन के चलेंगे कि यही लोकतंत्र है अखिलेश जी को मैं शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि बंगाल इलेक्शन में भी उन्होंने किरण मोय नंदो को भेजकर जयाजी बच्चन को भेजकर हमारा पार्टी को लिए कैंपेन करने के लिए मदद किया था मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है अभी तो दस तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है बाद में और सारे जगह में है हर चुनाव में आप एक होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है फिर तीन तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव उसको सपोर्ट करना पूरा पूरी पूरा तरह हमारा हक बनते हैं मैं पहले दो चार बात कहने के पहले पहले माफी चाहूंगी कि हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है <laughs> लेकिन मैं बोलते बोलते सीख जाऊंगी कि यूपी का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं बिहार का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं राजस्थान का भी आदमी रहते हैं हरियाणा का भी रहते हैं पंजाब का भी रहते हैं पूरा हिंदुस्तान को हर इंसान हिंदुस्तान को हर प्रांत में रहते हैं मैं दो चार बात कहने का पहले लता जी को जो देहांत हुआ है मैं उनका ऊपर श्रद्धांजलि निवेदन करके दो लाइन कहने चाहूंगी जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ तो वो वार का बाद जो शहीद हुए हैं, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए लता जी ने एक गाना गाया जो गाना के लिए आज भी लता जी हर विश्व का इतिहास बन गया वो गाना क्या था ए मेरे वतन को लोगो जरा आंखों में भर लो पानी जो शोहिद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुए हिमालय हिमालय पे है आपका यूपी में है उत्तराखंड में है जब घायल हुए हिमालय खतरे में पड़े आजादी जब ताकती सास लड़े फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर पर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, हम जो देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, हम सबको आम श्रद्धांजलि निवेदन करने चाहती हूं लता जी का एक गाना पे उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है आजादी का आंदोलन से शुरू करके जितना भी प्रधानमंत्री आप लोगों ने दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सभी तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का ही है हमारे उधर में कुंभ मेला होता है कुंभों का जो दूसरा तारीखा से गंगा सागर मेला कौन करते हैं हमारा ज्ञानदास जी करते हैं जी रहते कहा है अयोध्या में रहते हैं उसका ट्रस्ट अयोध्या में है रहते है उधर में लेकिन उसको मेला मैं कर देती हूं और तीस लाख चालीस लाख लोग यूपी से बिहार से जाते हैं हम लोग कभी किसी को पूछता नहीं है क्या तुम्हारा रिलीजियन क्या है तुम्हारा प्रांत क्या है हाँ मैं ही पूछते चाहे कि आप तो हिंदुस्तानी हैं है ना आप हिंदुस्तान में रहते हैं कोई बिनारस में रहते हैं कोई मिराठ में रहते हैं कई मथुरा में रहते हैं कोई वेस्टर्न यूपी में रहता है कोई हतरास में रहता है कोई उन्नाव में रहता है कोई लखनऊ में रहता है कोई इलाहाबाद में रहते हैं पूरा दिल से दिल मिला के आप लोगों ने एक साथ में हिंदुस्तान से सबसे बड़ा राज्यू पी है अगर ए राज्य से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया आपको पहले पसंद करना है आप बीजेपी का झूठा बोलने से वोट देंगे ना वास्तविक में जो कम करेंगे सबको लेके चलेंगे अब उनका वोट देंगे और कुछ कुछ लोग तो है जो बसंतों में कोकिल आता है ना कुहू करते हैं आपको क्या बोलते हैं आपका लैंग्वेज में कोयल, कोयल बोलता है जो दो कोयल दोयल आता है वोट काट के भाग जाता वोट का बाद उसको देखा नहीं होता बोलता है हमारा बंगाल में तुम्हारा देखा नहीं गो तुम्हारा देखा नहीं तुम्हारा भेंट नहीं है तुम्हारा सख्त नहीं है तुम्हारा भेंट नहीं है तुमको मिलता नहीं है चुनाव का बाद पांच साल घर में बैठ के रहते हैं कोई दिल्ली में बैठ के रहते हैं कोई हैदराबाद में बैठ के रहते हैं कोई इधर उधर घूमते हैं चुनाव का टाइम में चला आता है कि वो वोट का कोयल हो गया है वोट में उसको वोट लेना है ऐसा लोगों को कभी वोट देके अपना वोट नष्ट मत करो मैंने सुना है आज हमारा प्रोग्राम है इसी के लिए बीजेपी का आज मैनिफेस्टो निकालना है वो मैनिफेस्टो ना मैनिफेस्टो मेरे को पता नहीं है क्या क्यों नहीं है इतना दिन पहले तो करना है उसका बाद बोलना है आपको भी बोलना पड़ता है इतना साल आप दिल्ली में पहाड़ में है आप यूपी में पहाड़ में है तो क्षमता में रहके आप गोली चलाते हो बर्बादी करते हो मां बहन को क्या हुआ है हमको बोलने का जरूरत नहीं है इतिहास बताएंगे पहले तो माफी मांगो उसका बाद वोट मांगो हथ में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे पहले माफी मांगो उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो एनआरसी लेके कितना लोग मरा था माफी मांगो पवित्र धरती मेरे को गंगा माई है जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते हैं मेरे को पता चला जब मलदा में मेरे बंगाल में उत्तर प्रदेश को डेड बॉडी मिला लाश मिला कोविड के बाद सब लाश गंगा माँ को फेंक दिया नंबर नहीं लाएगा लगेगा मैंने वो लाश उठाया और उसको उठा के शांति से उसको जिसको समाधि है जिसको श्रद्धांजलि है जिसको किमेशन है जो भी झर धर्म का मापिक करना है मैंने सब कर दिया लेकिन तब कहा थे आप लोग जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहा में थे अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था कोविड को हराने नहीं आया यूपी में आप ओ बात को भी आप मत भूलो माफी मांगो कितना आदमी को आप गंगा में भसा दिया सुला दिया, उसको परिवार को देखने का मौका भी नहीं दिया आज ओ लोगों को अक्ता खड़ा है वो लोग पूछ रहा है क्या जोगी जी वोट चाहिए न हमारा आत्मा का दुख जो हुआ है उसको आप पहले निभाओ हमको आग जल रहा है आप पानी में भी आग जला दिया आप पानी में आग जला दिया जब कोई लोग मर जाता है वो सबसे ऊंचा हो जाता है हम लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे जाट हो चाहे दलित हो चाहे ब्राह्मीण हो हर और आपने क्या किया सबको फेंक दिया पानी में आग लगा दिया आपका पास लकड़ी नहीं था जलाने का लकड़ी भी नहीं था आप सोचा भी नहीं था पहले माफी मांगो उसका बाद वोट मांगो मैनिफेस्टो कर रहे मैंने सुना है स्कूटी वगैरह वगैरह कुछ देने का वादा करेगा वादा तो करते ही है दिया क्यों नहीं मैं मेरे को जितना स्कूल है एक करोड़ बीस लाख साइकिल बिना पैसा में दिया है स्टूडेंट को दे दिया मैनिफेस्टो में मेरे को बोलने का ये नहीं है हम लोगों ने टैब सबको दे दिया मैनुफेस्टो के बोलने के लिए नहीं है आज पांच साल आप लोगों ने क्या किया सबसे रुपया तो यूपी यूपी का मिला सबसे ज्यादा रुपया भारत सरकार सब काम में नरेंद्र मोदी कहता है हमने किया हमने किया कहा से किया हमारा क्या हम हमारा पॉकेट से ले आता है मनी जनता का रुपया अब स्टेट से ले जाते हैं इनकम टैक्स का नाम पे जीएसटी का नाम पे कस्टम्स का नाम पे ये सब टैक्स लेके आप जमा करते हैं इससे 40 परसेंट स्टेट को देते हैं 60 परसेंट आप खर्चा करते हैं स्टेट का मनी है जनता का मनी है आज आप कह रहे हैं कभी को इंजेक्शन मैंने फ्री में दे दिया क्या आपका रुपया है और जनता का रुपया है अब जनता से रुपया लिया और कब दिया कैसे दिया कितना दिया आप तो कहते हैं जोगी जी चार लाख करोड़ हम इन्वेस्ट किया है यूपी में कहा गया रुपया क्या पीएम केयर में भेजा उसमें तो ऑडिट नहीं होगा इसी के लिए आप कह दे सकते हैं आप पूछिए ना क्या दिया और रुपया गया कहा अगर इन्वेस्ट हुआ तो हम खुश है मोकामो खुश है मीन्स उसका मोहामो खुश है लेकिन बोलिए और रुपया गया कहा क्या पीएम केयर में भेजा उसमें तो ऑडिट भी नहीं होगा कैग भी नहीं जाएगा हमारा चीफ मिनिस्टर दिलीप पांड कोई दुखी स्टूडेंट को देते कोई मां बहन को देते तो आप सीबीआई भेज देते पीएम केयर में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया आप गवर्नमेंट का अधिकारी से लिया आप पब्लिक सेक्टर से लिया आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लिया आप सीएसआर का नाम पे लिया लेकिन वो रुपया का कोई ऑडिट नहीं होगा किसी को पता नहीं है इतना रुपया कहा से आया कहा से गया और कहा से चला गया कहा से आदमी भूखा रहा धनोबान का बेटा खजाना भरते है और मजदूर रो कर तकदीर का शहीद होते है आपका पता नहीं है कोविड का टाइम में कितना माइग्रेंट वर्कर रास्ता में मर चुका कैसे हम भूले वो दिन कैसे हम भूले एक बच्चा को लेके माए चलता है एक छोटा से भैन पे बच्चा को सुला के वो अब नहीं भूल सकता है कितना माइग्रेंट वर्कर भूख में मर गया मैं तो आज आपको कहने चाहूंगी कोविड में जितना लोगों को मौत हुआ है एनआरसी में जितना लोगों को मौत हुआ है दंगा में जितना लोगों को मौत हुआ है किसान का आंदोलन में जितना लोगों को मौत हुआ है सबको परिवार को एक रेल से चाकरी मिलना चाहिए मैन्युफेस्टो में पहले लिखो रेल में बहुत सारे वैकेंसी है दे दो गरीब लोगों को हम देखता है। जनता को क्या किया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या पैसा है कुछ नहीं है हम जो बेटी हमारा एक प्रोग्राम है कन्याश्री जो यूनाइटेड नेशंस में विश्व और फर्स्ट प्राइज मिला हम उसको पच्चीस हजार देता है अठारह साल में अगर वो पढ़ाशुना करते हैं शादी नहीं करते हैं तो उसको हम स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर पूरा बिना पैसा में पढ़ाता है स्कॉलरशिप देते हैं अपने अपना बजट क्या है एक सौ करोड़ बजट है तो पचहत्तर करोड़ आप उसको एडवर्टाइजमेंट चला देते हैं पांच पैसा भी नहीं मिलते हैं अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बेटी हटाओ देश बचाओ ऐसा करते हैं उन्नाव में ऐसा ही किया हकरास में ऐसा ही किया जिंदगी जला दिया कितना एनकाउंटर के नाम पे कितना आदमी को आप मारा एनआरसी का मूवमेंट का टाइम मैंने देखा हम भी एनआरसी का मूवमेंट में थे मैंने एनआरसी हम चाहते हैं हमारा देश में चाहे जाट हो चाहे किसान हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो चाहे ओबीसी हो चाहे मां हो चाहे बहन हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे यूथ हो सब एक साथ में रहे अच्छा रहे आप लोगों ने देश बटवारा का काम किया इतिहास को का काम किया इतिहास को भी आप चेंज कर रहा है स्टेशन का नाम चेंज कर रहा है रेल भवन का मापी हेरिटेज भी नष्ट कर दिया शहीद ज्योति का मापिक अमर ज्योति भी नष्ट कर दिया सब कुछ नष्ट कर सकता है बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचना किया था आज वो बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के लेके अब खेल रहा है उसके साथ खिलवाड़ी कर रहा है कोई कानून नहीं मानते अब कानून हिफाजत करते हैं बड़ा बड़ा बात करते हैं इकबाल का एक शायरी था वो शायरी यह है कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही उसको मां का देहांत का बाद लिखा लिखा था उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही मैं जब तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी आज ये ना हो जो देश आजादी हुआ जो देश में लोकतंत्र है उसको पूरा खत्म करके नाश करके ये ना कहो कि देशवासी आप चल बसी और वो चलेगा अकेला एक, ऐसा नहीं हो सकता है देश संभालना मुश्किल होता है देश का नेता कैसा हो गांधी जी जैसा हो देश का नेता कैसा हो नेताजी जैसा हो देश का नेता कैसा हो आपका उत्तर प्रदेश कितना बड़ा बड़ा नेता का जन्म दिया है देश का नेता कैसा हो लाल बहादुर जैसे हो देश का नेता कैसा हो जय जवान जय किसान जैसा हो, जैसा हो? देश का नेता कैसा हो चरण सिंह जैसा हो देश का नेता कैसा हो रविंद्रनाथ जैसा हो देश का नेता कैसा हो तुलसीदास जैसा हो देश का नेता हो हम हर धर्म को मानते हैं हम धर्म को हम पूजा करते हैं हम पूजा पाठ करके घर से निकालते हैं लेकिन हम अम्बेदकर को भी पूजा करते हैं हम दलित भाई बहन को कहने चाहूंगी कि आप लोग भी सोचे कि आपका इधर का जो लीडर है कोई काम नहीं करता है बीजेपी का पास पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है ऐसे यूपी नहीं चलेगा मां बहन को मैं कहने चाहूंगी चाहे झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो चाहे आपका यूपी का जो लड़की ने जिसको जिंदगी जला दिया रास्ता पे आज मां बहन और रोमियो क्या भाई नहीं बना के नाम पर बेटी हटाओ और बेटी बचाओ कर रहे हैं एनकाउंटर करके लोग मारने का जरूरत क्या है तुम कानून से कम लो कानून से कम लो अगर कोई पुलिस बात नहीं सुनता है तो उसको खिलाफ में भी आप ऐसा ही करते हो आप मीडिया को बात नहीं करने देते हो आप एक्टिविस्ट को बात नहीं करने देते हो आप स्टूडेंट को बात नहीं करने देते हो बंगाल में जाके कहा ममता जी ने तो दुर्गा पूजा करने नहीं देता अ देखिए मुख पे कैसा थप्पड़ पड़ा यूनेस्को हेरिटेज माना दुर्गा पूजा का बंगाल को शर्म है माफी मांगो झूठा बात कहने के लिए हमारा घर घर पर सरस्वती पूजा होता है कोई शिव पूजा करते है कोई राम सीता का पूजा करता है कोई बजरंग बली का पूजा करता है कोई गणपति का पूजा करता है कोई रक्षमा काली का पूजा करता है कोई वैष्णु माता का पूजा करता है कोई चामुंडा काली करता है कोई माँ दुर्गा करता है कोई लक्ष्मी नारायण करता है कोई राधा कृष्ण करते हैं कोई आजान पढ़ते है कोई भगवत पढ़ते है कोई साहिब है, कर करते हैं कोई अंबेडकर करते हैं हर आदमी का हॉक है आज सुबह में ब्राह्मीण समाज हमारा पास मिलने के लिए आए थे उन्होंने भी मैं को मेरे को बताया कि हम आपको आने पर हम अखिलेश जी को पूरा सपोर्ट करेंगे आई एम ग्रेटफुल टू देम देख लो सब कास्ट को हम अच्छा से रखें। एक माला तब बनते हैं जब बहुत सारे फूल लेकर एक 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 करके एक माला गे है खाली एक से नहीं होता परिवार में एक ही आदमी नहीं रहता पिताजी रहता है माताजी रहता है भाई रहता है बोन रहते है चाचा रहते है चाची रहते है हमारा शरीर देखिए हाथ है पा है आँख है चूल है ब्रेन है लिबाड़ा है किडनी है सब कुछ है इसी के लिए हमारा पूरा इंसान है इसी के लिए हम कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कहेंगे हम कम्युनल पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं झूठा पॉलिटिक्स है बीजेपी का और धर्म को भी उल्टा रूप देता है असली हिंदू धर्म को वो नहीं मानते हैं हम कम्युनल पॉलिटिक्स को बात नहीं करेंगे लेकिन हम जो आदमी भूखा है एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है हम बेरोजगारी का बात करेंगे अगर अखिलेश जी, जी जीते तो बंगाल और यूपी मिलके